चूड़ी लग गई है, पता नहीं किसने तोड़ के फेंके क्या हुआ, और बहुत ज्यादा लग गई है। खून निकल रहा था बहुत ज्यादा, देवू को बहुत ज्यादा खून निकला आज, है ना। मंजू जी देखा, मंजू जी को दिखाते हैं, आज अतरंगी बनी है मंजू जी। देखो मंजू जी का ब्लाउज कुछ और है, और मंजू जी की साड़ी कुछ और है। देख लो, हम तो कब से तैयार होके बैठे हैं 6 बजे। तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, ये हमारा फुलेरा तैयार है, और पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। साड़ी मैंने ऐसे ही पहनी है, क्योंकि वो साड़ी सेट नहीं हो रही थी, तो वो जैसे तैसे पहन ली है। कुछ लोगों को भूख लगी है, तो खाने की भी तैयारी हो गई है। बेचारे दो लोग बैठे हुए हैं। अब हम लोगों को इंतजार है कि बस सारे लोग आ जाए, तो जल्दी से हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने अभी पंडित जी को वापस कर दिया है, और मलुका आई है। देखो भाई, मलुका बैठी है, और हम लोग भी तैयार हैं। देखते हैं अब सारे लोग जल्दी आ जाए। अबे आज मलुका रात भर जागेगी, और मलुका हम लोग के साथ जागेगी, है ना। ऐसे कैसे नहीं, मैं नहीं जागूंगी। क्यों नहीं जागूंगी भाई, क्यों नहीं जागूंगी, बुखार आ जाता है। मलुका के साथ एक फोटो लेते हैं हम, क्योंकि हमारी एक और पुरानी फोटो है मलुका के साथ, वो किसी दिन दिखाएंगे हम इसको। हाँ देखो, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, पर यहाँ पर अभी फिलहाल पूरी जगह खाली है, कोई नहीं आया है अभी तक। कुन्नू जी बना रहे हैं खाना, तैयार होके बन गया। अच्छा, कुन्नू जी ने पूड़ी बना दी है भाई, बच्चे भूख लगे थे। भूख लगी है, वो खा लो। देवू को भी भूख लगी है, तो रानी जी अभी उसको खाना खिला रही हैं। अब हम लोगों की पूजा तो अभी हो नहीं रही है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक सबका अपना अपना टाइम पास चल रहा है। तो ये हम लोग कमल लेके आए थे, कमल के फूल इन लोग लाए थे, और इतनी देर से उसको फ्रीजर में रख दिया था, तो देखो इनकी क्या हालत हो गई। भाई मीना आ गई है, सीमा आ गई है, कुट्टो भी आ गई है। हाँ भाई, तो भाई हमारे सारे लोग देखो आ चुके हैं यहाँ पर, और हमारे पंडित जी भी जो हैं वो रहे, तो आ गए हैं। अब हम जा रहे थे जल्दी पूजा करते हैं। कहाँ बैठना है मुझे? तो भाई हमारे पंडित जी आ गए, पूजा शुरू हो गई है। अपने ऊपर जल छोड़िए जजमान, ध्यान दें पूजन में, अपने ऊपर जल छोड़िए जल। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था कुल वैसा पंडरीकाल से समान है मंत्र मुंडे का माने महादेवी पवित्र कृजासनम। हाथ में रोली है, रोली थोड़ा थोड़ा रोली लगा लो। काय में लगा ला, माथ में, हाथ में लगा।
चलो भाई हाथ में चारों फूल लेकर गणेश भगवान की कलश देवता की प्रार्थना कीजिए। ओम गणेश विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धाताय नमः सुदिये के विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते आशीषाय सुखदाय भवने सुलक्ष्मी आस्थानाय प्रदेश बुद्धि श्रद्धा सदम गजरम प्रवास वज्जम ताम तनुता सुपरिपालय मे वसं श्री भोर गणेश मिका ध्यान मा ध्याय ध्यान मन धाक चक्ष पाड़े समरे पयामी छोड़िए गौर कलश के पास गौर कलश के पास छोड़िए शंकर भगवान का ध्यान कीजिए गौरा माता का ओम ध्याय महादेव शंकर भगवान की दूध के बाद शुद्ध जल यजमान शुद्ध जल के बाद वस्त्र रक्षा सूत्र है चुन्नी रक्षा सूत्र चढ़ाओ। ओम ज्योतिका सर्वलोमान स्वाहा अग्नि स्वरूप अग्निशम विभाव सो तस्मा दिन सर्वोतारम कदम पकदा सम्मा सर्वे अवाय। अरे है ना कर दो डबल चुन्नी करो डबल और अच्छे से घेरा बना के रख लो सबसे बड़ा भी नहीं रहे ऐसे डबल नहीं ऐसे लंबे लंबे लंबाई में सर्वांगे रोरी चंदन समर्पयामि रोरी चंदन के बाद रोरी चंदन हो गए प्रत्यक्ष धूपम दीपम समर्पयामि धूप दीप के बाद नैवेद्य फल फूल मीठा प्रसाद पूजा पाठ किया करो भाई एक जगह खर्चे लगा लो जलो मत है ना सब में फैला हो जलो भगवान चावल छोड़ दो जो हाथ में लिए एक बार छोड़ दो फिर से चार फूल लेकर कथा सुनो अथरिताल का दस कथा तुरी जो इस तरह है जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदारा के पुष्प की माला शोभा देती जिस भगवान चंद्रों से भगवान भोलेनाथ दिगंबर में धारण किए हुए हैं उन दोनों भगवती तथा भगवान भोलेनाथ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव हमसे आप गुप्त से गुप्त बातें कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल को देने वाली हो। अतः हे नाथ अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ यदि आप मन और अंत रहित हैं आपकी माया का कोई पार नहीं है अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें बल के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले देवी सुनो मैं उस व्रत को कहता हूँ जो मेरा जो परम गुप्त है मेरा सर्वस्व जैसे तारागढ़ में
अपनी पुत्री से कहा, मतलब तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह श्री हरि गणोद्धर भगवान के साथ निश्चित किया है, यह बात सुनकर तुम्हें बड़ा दुख हुआ और तुम वहां से रोती हुई अपनी सहेली के घर आ गए। तुम चली आए। पार्वती जी बोली, दादी मैंने पहले ही भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करना निश्चित किया था, किंतु आप इसके विपरीत कार्य कर रहे थे, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग करके वन में त्याग करने के लिए वन में चली आई। ऐसा सुनकर हेमा ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं कार्य नहीं करूंगा, अतः तुम घर चलो, तुम्हारा विवाह भोलेनाथ के साथ ही किया जाएगा। उस पूजन के प्रभाव से तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत का प्रभाव है जो तुमको मेरा ये अर्थासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। देवी अब मैं तुमको बताता हूँ, सुमन लगाकर सूरज व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। तुमको सती हरण करके ले गई। लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। जी महाराज की ओम। जय शिव ओम नारायण। जय शिव ओम नारायण। पुष्प देवादि वंदनम मंत्र पुष्पांजलि महात्म्य चावल फूल लेकर क्षमा प्रार्थना कर लो भगवान की। महाराज की भगवान की मैया की माता की चुनका में हाँ। मीना भी बाकी है, अभी मीना बाकी है, काला मीना रह गया। गाइस हमारी पूजा हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। अब अभी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, अब क्योंकि रात भर जागना है तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अभी भजन कीर्तन अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। मंजू जी की तबीयत खराब हो चुकी है, मंजू जी का सर दर्द कर रहा है, जो भी कुछ हो गया है मंजू जी मुँह खोल के तो बताती नहीं है। ऐसा अचानक से सर दर्द ठीक हो जाएगा, बाम चाहिए लगाने दे दे। ठीक है, देव हमारा सो गया है यार, कब से थका हुआ था, पूजा कब होगी और अभी सो गया। पानी नहीं भाई, धन्यवाद जी। पानी कुन्नु जी पानी बांट रही हैं भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी भी चाहिए। परेशान है, फोटो खींचने आई हूँ, खिंचवा नहीं रहे क्योंकि गुड़िया का मोबाइल गुम चुका है। क्या दोगे इनाम में, ढूंढ देंगे तो पहले बताऊंगी। नहीं बता रही है, रख लेगी केला, खा लेगा केला, केला तो अभी प्रसाद में मिल जाएगा हम लोग को यार, लेकिन मोबाइल तो कई बार मिल है ना। हाँ कुछ ढंग का दो ना, केला तो अभी खरीद भी जाना तो मिल जाओ ना ठेला वाले को। मीना की भाभी गाना गा रही है।
Thank you.
सो गाइस, मैं अपने असली रूप में आ चुकी हूँ फिलहाल, क्योंकि 4:30 बजे यहाँ पर हो गई थी लाइट गोल और हम लोगों ने बहुत वेट किया पर लाइट नहीं आई। तो अभी हम लोग नहा चुके हैं, अब सारे लोग प्रसाद वगैरह लेंगे और उसके बाद हमारा तीजा का जो व्रत है वो तो पूरा हो चुका है। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं सबको नीचे क्या है कि अंधेरा है, इसीलिए मैं छत पर आ गई। नीचे चलते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं। तीजा तो पूरा हो गया हमारा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा बप्पा मोरिया का ब्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय। दिखाओ तो भाई हमारा देवू जो हाँ तो हमारा देवू जो है वो सो गया था रात को, अभी उठ गया। देखो वाव, और देखो हमारी पूजा भी हो गई है ना, सुबह हो गई है और लाइट भी आ गई है। हाँ, और आज हम लोग गणपति बप्पा लाएंगे, तो इस ब्लॉग को हम लोग जाएंगे। तो भाई अब आएगा गणपति बप्पा का ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त। इसको करते हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को यस। चलो गणपति बप्पा बाय बाय। टाटा।